लोग अभी तक इसी वर्ष अगस्त माह में उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत द्वारा दिए गए बयान को भूले नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ऐसा एप्लीकेशन आने वाला है जिसमें बारिश को कम ज्यादा और आगे पीछे किया जा सकता है। अगर आपने वह बयान नहीं सुना है तो आइए पहले आपको सुना देते हैं। रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने IIT रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, तीन चार लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे PWD का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी हाल ही में असमय बारिश से परेशान केदारनाथ धाम से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धन सिंह रावत जी से गुजारिश की गई है कि वह उस एप्लीकेशन को जल्दी से लाएं, जिससे असमय बारिश से निजात पाई जा सके। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पूरे उत्तराखंड की और उत्तराखंड में आए हुए देश विदेश से तीर्थ यात्रियों की एक निगाह आप पर टिकी हुई है। आप जल्द से जल्दी अपना ऐप उत्तराखंड में लाए और इस बारिश से निजात दिलाए, क्योंकि तीन दिन से लगातार उत्तराखंड में हो रही बारिश के कारण सारे आम जनमानस और उत्तराखंड में आए हुए तीर्थ यात्री बहुत परेशान है। और मेरा भी आपसे विशेष आग्रह है, आप जल्दी से जल्दी इस मौसम के बारे में सोचें और जल्दी कुछ करें। उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का यह बयान काफी वायरल हुआ था और इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आई थी, लेकिन कई बार कुछ बातें लंबे समय तक लोगों के जहन में रह जाती है। अब शायद जब भी उत्तराखंड में असमय बरसात होगी तो उत्तराखंडियों को धन सिंह रावत जी की याद जरूर आएगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।